सत्य की असत्य पर विजय के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले विजयदशमी के अवसर पर विभिन्न कॉलोनियों में रावण दहन का कार्यक्रम बड़े ही भव्यतापूर्ण तरीके से किया गया। इससे पूर्व राम बारात भी लोगों ने धूमधाम से निकाली। राम की रावण पर विजय होने के बाद पूरे देश भर में दशहरे के रूप में विजय दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में ऑर्चिड ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया, साथ ही रावण का दहन कर लोगों को सत्य की राह पर चलने का संदेश दिया। रावण दहन से पूर्व सभी ने मिलकर राम बारात भी निकाली, जिसमें लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ भक्त पूर्ण तरीके से डोलों का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के अनेकों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। रावण को मार कर सभी लोगों ने आज भगवान श्री राम जी की प्रचार करी है और रावण का पुतला का दहन किया है। आगे से हम यहाँ पे अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि बुराई कितनी भी खाली क्यों ना हो, परंतु सनातन धर्म के सामने जब प्रभु स्वयं प्रकट होकर आते हैं तो बुराई का हमेशा अंत करते हैं और सच्चाई हमेशा। इस पावन पर्व पर जो हमारी परंपरा हमेशा से चली आ रही थी, सत्य पर सत्य की जीत होती है, वो आज हमने यहाँ करके दिखाया है। रावण का दहन करके ये सबको दिखाने की कोशिश की है। हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने कभी राम बारात कैद ना देखी हो, उनको ये समझाने की कोशिश करी है कि सत्य की जीत होती है और सत्य के मार्ग पर ही हमेशा चलना चाहिए। रावण हमेशा असत्य का पुजारी था, हमेशा झूठ बोलना, असत्य कहना, उसका दहन करके असत्य को आज खत्म किया है और बुराइयों का नाश किया है।